हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। कान्हा गार्डन में आपका स्वागत है। आज मैं अपना एक चंपा का प्लांट ट्रांसप्लांट करने जा रही हूँ। इसकी रिपोर्टिंग कर रही हूँ, रिपोर्ट से रिपोर्ट में शिफ्ट करने जा रही हूँ। तो आज का वीडियो मैं रिपोर्टिंग करते हुए बना रही हूँ। देखिए, चंपा का मेरा पेड़ है, तो इसको मैंने ये गमला दे दिया था। ये प्लास्टिक का गमला है, तो मैं चाह रही हूँ उसको बैग में लगाना। वो बैग में अच्छे से ग्रोथ होगी, क्योंकि इसमें ज़्यादा हम इसको मिट्टी मिल जाती है। तो मेरी कोशिश रहती है ज़्यादातर जो ऊँचे होने वाले प्लांट्स हैं उनको मैं बैग में शिफ्ट कर दूँ। तो उसमें मैंने इनिशियली इसमें ही लगा दिया था, इसको मैंने कटिंग से ही लगाया हुआ है। तो इसमें बड़ा हो गया है, बारिश में लगाया था मैंने, बड़ा हो गया है। अभी मैं इसको इसमें से निकालती हूँ। थोड़ा सा मैंने इसे खींच दिया था ऊपर से, तो थोड़ा निकल आया है। और साइड से मैं इसकी मिट्टी ढीली कर चुकी हूँ ऑलरेडी, इसको निकाल के निकला ही हुआ है। मैंने इसको इसमें से निकाल दिया है। अब इसको मैं ऐसे ही इस मिट्टी के साथ ही मैं इसको इस बैग में लगा दूँगी। बैग में ऑलरेडी मैंने नीचे पत्ते डाल रखे थे और थोड़ी मिट्टी डाल रखी थी। इसकी सॉइल बनाने के लिए मैं ज़्यादा इसमें बहुत कोकोपीट नहीं मिलाती हूँ। नॉर्मल सॉइल और कंपोस्ट मैंने डाली है, और नीचे सूखी पत्तियाँ डाली हुई हैं, वो भी कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाएंगी। ऐसी की थोड़ी मिट्टी जो है मैं साइड में इसमें डाल देती हूँ। इसको एक अच्छा बड़ा पॉट मिल गया है। ये मेरा चंपा का प्लांट है, लेकिन इसके ये गोल वाला चंपा है। इसमें इसके पत्ते गोल होते हैं। मेरे पास ये वाले चंपा कम थे थोड़े, तो मैंने ये लगाया था बारिशों में, तभी इसमें अच्छे से लग गया था, तो मैंने इसको चेंज किया है। फ्लावरिंग भी इसमें होगी, अभी बर्ड्स आने लगी हैं। काफ़ी सुंदर लगता है प्लांट, और मेरे यहाँ छत के लिए बहुत ही अच्छा है। जो मेरी टेरेस गार्डनिंग के लिए बहुत ही अच्छा प्लांट है, क्योंकि काफ़ी बड़ा हो जाता है और काफ़ी जगह घेर लेता है। तो गार्डन का लुक देने में बहुत हेल्प करता है, गार्डन का लुक आता है इस तरह के प्लांट से। तो मेरी कोशिश होती है मैं चंपा के सारे डिफरेंट डिफरेंट जो भी वेराइटीज़ आती हैं वो मैं लगाऊँ। तो आज मैंने चंपा का ये प्लांट भी लगा दिया। नया नहीं है ये, पुराना ही है, मैंने आज को शिफ्ट किया है। अभी अच्छे से ग्रो करेगा, फ्लावरिंग करेगा। तो ऐसे ही आराम से आप भी कोई अगर कटिंग लगाते हैं किसी पॉट में, छोटे पॉट में, नॉर्मली मैं छोटे पॉट में लगाती हूँ। उस समय मेरे पास छोटा नहीं था, मैंने इतने बड़े पॉट में लगा दी थी। तो मैं मुझे इसे आज ज़रूरत थी इस पॉट की, मैंने इसे बैग में शिफ्ट किया। इस तरह से आराम से पहले मैंने साइड से मिट्टी थोड़ी ढीली करके इसको खींच लिया था, अभी इसमें लगा दिया है मैंने। इसमें ग्रो करेगा और फ्लावरिंग करेगा। प्लांट को आराम से ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। गार्डनिंग करते रहिए, कान्हा गार्डन देखते रहिए। थैंक यू।